हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के गांव सिंघवी की 5 वर्षीय बेटी अंशिका पिछले 8 माह से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही है। मीडिया द्वारा नन्ही बच्ची के इस मामले को उठाए जाने के बाद बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बड़सर उपमंडल के गाँव में जाकर पीड़ित बच्ची का कुशलक्षेम जाना। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस भी बंधवाया है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पीड़ित के गांव जाकर उन्होंने उसका कुशलक्षेम जाना है। इस दौरान बड़सर के विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। राणा ने कहा कि पीड़ित अंशिका को भगवान जल्द दुरुस्त करे, ये कामना उन्होंने की है और पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद भी की है। राणा ने कहा कि सरकार से भी पीड़ित बच्ची को मदद मुहैया करवाने की बात उन्होंने की है। आज बड़सर चुनाव क्षेत्र के ग्राम पंचायत पथरियाल के सिंघवी गांव में हम लोग गए थे और बड़सर के माननीय विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल भी हमारे साथ गए थे और वहां पर जो है ये एक बच्ची है जो कि जिसको जो है वो ब्रेन ट्यूमर है और काफी जो है आर्थिक तौर पर जो है परिवार है वो काफी कमजोर है। तो माननीय विधायक साहब ने पहले भी उनकी मदद करी है, आज भी हम दोनों लोग गए थे और उनकी यथा संभव जो है उनकी मदद करके आए हैं और सरकार से भी इस विषय में बात करेंगे कि उन लोगों की मदद की जाए क्योंकि वो लोग इस वक्त जो है वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि एक चुने हुए व्यक्ति के नाते उन लोगों के काम आए, उन लोगों की मदद करें जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ गए थे। और बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और खास तौर पर ये जो कोरोना का दौर जो आया है इसमें तो और भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और सरकार से भी सिफारिश करेंगे कि ऐसे लोगों की इन लोगों की जो है वो सरकार मदद करे। आपको बता दें कि अंशिका के पिता अशोक कुमार ने बताया था कि उनकी बेटी 25 दिसंबर 2019 को अचानक बीमार पड़ गई जिसके बाद उसको शिमला ले जाया गया। शिमला में पता चला कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, फिर उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि नन्ही अंशिका की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब हालत ये है कि पीजीआई के डॉक्टरों ने भी इलाज करने में अपने हाथ खींच लिए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अंशिका का ब्रेन ट्यूमर इलाज से बाहर है। अशोक कुमार को लॉकडाउन के चलते नन्ही अंशिका के इलाज के लिए पीजीआई ले जाना भी महंगा साबित हो रहा है। निजी गाड़ी में पीजीआई पहुंचाना कठिन होता है। कुछ स्थानीय लोगों ने अशोक कुमार की मदद जरूर की है। इसी के चलते विधायक राजेंद्र राणा और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अंशिका का कुशलक्षेम जाना और यथासंभव मदद भी की है।